गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था हमने? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर चुके हैं अपन डिस्कस। आपको मैंने कहा भी था प्रीवियस क्लास के अंदर कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक। और क्या बताया था वो नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? कुछ बताया था क्या उसके बारे में? बताया तो होगा। कौन सा टॉपिक बताया था? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है बेटा हमारा आज का टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है सबको? शुरू करते हैं अपन। टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, शुरू करते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुरू करें अपन। देखो, जैसे कि हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था, वहां पर हमने टू केसेस देखे थे। कौन कौन से टू केसेस थे? पूरे साल भर सेम रहती है या पूरे साल भर कैपिटल चेंज होती रहती है? अगर पूरे साल भर कैपिटल सेम रहती है तो उस केस में हमने कितने मेथड पढ़े थे? वन मेथड। कौन सा था? सिंपल मेथड। ठीक है, दूसरा केस क्या था? अगर पूरे साल भर कैपिटल चेंज होती रहती है तो वहां पर हमने कितने मेथड देखे थे? दो। कौन कौन से? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। वेरी गुड। चलिए और आगे बात करते हैं अपन। अब जिस तरह से हमने दो मेथड देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, वैसे ही हम दो मेथड देखेंगे यहां पर बेटा किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। दो मेथड से मतलब हम दो केसेस देखेंगे। क्या देखेंगे हम? टू केसेस। कौन कौन से टू केसेस हैं? चलिए हम चेक करते हैं क्या है और क्या नहीं है। केस नंबर वन, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर एट अनइवन टाइम इंटरवल। क्या लाइन लिखी है बेटा हमने? व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइवन टाइम इंटरवल। क्या कर रहे हैं बेटा हम? कि जब अलग अलग टाइम पीरियड पे हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट क्या करते हैं? विड्रू करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा आपका? मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो एक कंसेप्ट कैसे आ गया समझ में यार? तुम गर्दन हिला रहे हो, वहां सर समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया क्या है इसका? तो फिर कैसे गर्दन हिला रहे हो? जब तक मत हिलाओ गर्दन तब तक बात पूरी तरह समझ में नहीं आए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। चीज को समझने के बाद हाँ करो। ऐसे हाँ करोगे, तुमने हाँ कर दिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बात खत्म। फिर आता था ना पहले, क्या आता था ये? हाँ, सबको पता है ना, बाबा जी को सबने देखा है, ठीक है ना? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम समझाते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उससे बात समझ में आएगी। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब व्हेन बिजनेसमैन विड्रू कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। तो क्या एक ही बार निकाले ऐसा कंपलसरी है क्या, या बहुत बार निकाले ऐसा भी कंपलसरी नहीं है? जब चाहे जैसे चाहे, बिजनेसमैन की इच्छा के ऊपर पूरी चीजें क्या करती है? निर्भर करती है। जैसे मान लो हमने, देखो एक बात हम स्पेशली समझते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मानते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये मान के चलना है अपने को, है ना? बिजनेसमैन की इच्छा हुई, उसने पहली ड्राइंग की 30 अप्रैल को 20,000 रुपए की। कितने की? 20,000 की। सेकेंड ड्राइंग उसने की 31 मई को 10,000 की। थर्ड ड्राइंग की उसने 30 सितंबर को और 10,000 की। फोर्थ ड्राइंग की उसने 31
दिसंबर को 5000 की, और नेक्स्ट ड्रॉइंग की उसने 28 फरवरी को, और ये थी 7000 की। दो चीजें देखना, क्या हर बार अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग अलग अलग है, यस और नॉट? क्या हर बार अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग डिफरेंट डिफरेंट है? डिफरेंट अमाउंट इज विड्रून, अलग अलग अमाउंट क्या किया जा रहा है, हर बार विड्रू किया जा रहा है। फर्स्ट टू सेकेंड ड्रॉइंग टाइम पीरियड कितना है, कितने दिन के बीच में, तो पहले के हो गई 1 मंथ, ये पहली और दूसरी ड्रॉइंग के बीच में टाइम गैप कितना है, 1 मंथ। सेकेंड और थर्ड ड्रॉइंग के बीच में टाइम गैप कितना है, इसके बीच में, थर्ड टू फोर्थ के बीच में 3 मंथ, फोर्थ टू फिफ्थ के बीच में 2 मंथ, अनइवन टाइम इंटरवल। बताओ समझ में आई नहीं आई बात, अब समझ में आएगी, अब हाँ करूं, ठीक है ना? क्या लिखा हमने, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रून ड्यूरिंग द ईयर एट अनइवन टाइम इंटरवल। पहला केस समझ में आ गया, अभी तो केस समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा वो तो बाद की बात है, अभी तो हमें क्या समझना है, केस, हमें सिचुएशन समझ में, क्योंकि सिचुएशन जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन क्या करोगे, संभव ही नहीं है, कैसे कर देंगे सॉल्यूशन। पहले क्या जरूरी है कि हमें सिचुएशन समझ में आए, कि क्या हमें जो सिचुएशन दी गई है क्या वो सिचुएशन आपको समझ में आ रही है क्या बेटा, क्लियर? सिचुएशन नंबर एक सबको क्लियर है, कंफर्म? दूसरी सिचुएशन की बात करें अपन, सिचुएशन नंबर टू की हम बात करते हैं, क्या है, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल पे सेम अमाउंट विड्रू किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि 2000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या लिख दिया, 2000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 2000 रुपीज, 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 अप्रैल को 2000, 1 मई को भी 2000, 1 जून को भी 2000, 1 जुलाई को भी 2000, 1 अगस्त को भी 2000, 1 सितंबर को भी 2000, 1 अक्टूबर को भी 2000, 1 नवंबर को भी 2000, 1 दिसंबर को भी 2000, 1 जनवरी को भी 2000, 1 फरवरी को भी 2000, और 1 मार्च को भी 2000। हर महीने की पहली तारीख को हर ड्रॉइंग के बीच का टाइम इंटरवल सेम है, 1 मंथ अमाउंट भी सेम है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ₹5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की लास्ट डेट को, तो भी टाइम पीरियड सेम ही आएगा, अमाउंट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो दो सिचुएशन हमारे सामने बन जाती है, सिचुएशन नंबर एक कि जब अलग अलग अमाउंट क्या किया जा रहा है, विड्रू किया जा रहा है अलग अलग डेट को, टाइम पीरियड का भी कोई फिक्स नहीं है, कभी 1 महीने में कर लेता है, कभी 3 महीने में, कभी 5 महीने में, दो ड्रॉइंग्स के बीच का टाइम पीरियड, ये इंटरवल का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड बिटवीन टू ड्रॉइंग्स, इंटरवल का मतलब क्या है, गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स, दो ड्रॉइंग्स के बीच का जो समय है उसकी बात यहां पर की जा रही है। स्थिति क्लियर, किसी तरह कोई समस्या, कंफर्म? दूसरी स्थिति क्या थी कि जब ड्रॉइंग का अमाउंट भी सेम है हर ड्रॉइंग का, और वो उसके दो ड्रॉइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो भी सेम है, बिल्कुल क्लियर है? दोनों स्थितियां देखी हमने,
स्थिति नंबर एक और स्थिति नंबर दो। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ, पहले तो केसेस हमारे को समझ में आने चाहिए, क्लियर। अब हम बात करें केस नंबर वन को, अगर हम क्या करें केस नंबर वन को, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन की बात करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितने मेथड्स हैं बेटा, वही मेथड्स हैं जो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखे थे। कौन कौन से दो मेथड देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, पहला सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। कितने मेथड देखे थे बेटा, दो मेथड ही हमने वहां पर देखे थे। कौन कौन से दो मेथड थे, फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड और सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड, कंफर्म। अच्छा, अब अगर हम सिंपल मेथड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, हम सिंपल मेथड की अगर हम यहां पर बात करें, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं बेटा, देखना, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। पहली ड्रॉइंग का ये किसका हो गया, फर्स्ट ड्रॉइंग का, दूसरी ड्रॉइंग का भी वापस वही, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 प्लस, अब जितनी बार ड्रॉइंग हुई है उतनी बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे और बाद में उन सबका टोटल कर देंगे, तो आपका टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। है कोई समस्या भाई, बोल दो अगर है तो। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या यहां तक है तो आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है, जो तरीका हमने पहले देखा था वही हमने अभी यहां पर देखा है, अलग से क्या देखा है, अलग से तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, क्लियर। चलो ये पहला मेथड समझ में आ गया, दूसरे मेथड की बात करते हैं क्या हम, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की हमने जब भी बात की हमने एक ही बात कही, क्या बनेगी बेटा, एक टेबल, कितने कॉलम की, फोर कॉलम की। क्या बनाएंगे अपन, फोर कॉलम की एक टेबल बनाएंगे, बना लें टेबल। चलिए कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री और कॉलम नंबर फोर। कॉलम नंबर वन में हम क्या लिखते हैं बेटा, पहले क्या लिखते थे, कैपिटल, हाँ सॉरी डेट, यहां भी हमने डेट लिखा, पहले क्या लिखते थे कैपिटल, तो अब क्या लिख देंगे हम, ड्रॉइंग्स। अब मंथ और अब प्रोडक्ट, यही चार चीजें पहले लिखते थे वही चार चीजें अब लिखनी है, नया कुछ भी नहीं है। अगर हमने डेट को कॉलम नंबर ए माना है, ड्रॉइंग्स को बी माना है, मंथ को अगर सी माना है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डी, और ये क्या होगा, बी इंटू सी। उसके बाद हम टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, टोटल प्रोडक्ट। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का, जो पहले था वही हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। कुछ नया नहीं है, है कुछ नया बताओ, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक कौन सी स्थिति में देखा है हमने, ये केस नंबर वन में, जब क्या था, ड्रॉइंग का अमाउंट भी अलग अलग हो, और ड्रॉइंग का क्या हो, अमाउंट भी अलग अलग हो और दो ड्रॉइंग्स के बीच का टाइम पीरियड भी अलग अलग हो, हर बार अलग अलग टाइम पीरियड के साथ क्या की जा रही हो, ड्रॉइंग, क्लियर। चलिए केस नंबर वन अपने को समझ में आ गया, इसके दो मेथड समझ में आ गए, अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, कि जब ड्रॉइंग का अमाउंट क्या हो, सेम हो, जब ड्रॉइंग का अमाउंट क्या हो, सेम हो, क्लियर। अब यहां पर जो मेथड काम करता है, ड्रॉइंग का अमाउंट सेम हो, टाइम गैप भी सेम हो, तो इस स्थिति में जो मेथड हम यूज लेते हैं किस चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए,
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब यहां पर जो फॉर्मूला होता है उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आएगा और उसके बाद इसका इसके अंदर ये बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है बेटा, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। सेकंड केस अपने आप में क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। कैसे डिटेल्ड टॉपिक है उसको भी हम समझते हुए चलते हैं। इसका फॉर्मूला समझना, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एपीएम अपॉन 12। अब ये क्या बीमारी है, क्या चीज, एपीएम। हर मतलब लाइन लिखते हैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीज आ जाती है। एपीएम की हम बात कर लेते हैं, क्या है ये एपीएम, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। क्या है, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। इस एपीएम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, इस एपीएम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। क्या लिखा है बेटा हमने फॉर्मूला, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन टू। क्या फॉर्मूला है बेटा, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन टू। घबराहट हो रही होगी, इतना बड़ा फॉर्मूला, और मैं कह रहा हूं नो केस पढ़ेंगे हम इसके, इसी के कितने केस पढ़ेंगे, केवल एक केस बताऊंगा आपको, और ये मेरी गारंटी है, बाकी के आठ आप अपने आप सॉल्व कर लोगे और विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर लोगे। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, मैं तुमसे कहता हूं तुम नहीं करके बताना, तुम नहीं करके बताना कि नहीं साहब नहीं आया, कोई कह के बताना कि नहीं आया, गारंटी है मेरी। कैसे, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला याद रखना हर केस का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो यही है, बस हर केस में क्या होगा, एपीएम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने बात की केस नंबर वन, किसकी बात की बेटा हमने, केस नंबर वन, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या लिखा बेटा हमने, व्हेन अ पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, कौन कौन पार्टनर है, कविता और मनीषा दो पार्टनर है। कविता विड्रू रुपीज 500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। केवल कविता की बात करते हैं अभी हम, हमने क्या कहा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात की ना, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बात तो यही होगी इसकी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ की जब बात हो रही है तो यही बात है ना। व्हेन अ पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कविता विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितना, 500 रुपए महीने। तो हमारा फॉर्मूला देखो, उसी चीज को हम सॉल्व भी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, उसी चीज को हम
सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। चलो यहां पर सॉल्व भी करते चलते हैं, हम आपको समझाते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले किसकी बात की गई है यहां पर, कविता की। अब फॉर्मूला क्या है, चलो इसको भी बाद में लिखते हैं, कविता वगैरह का भी पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था इस मेथड में, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एपीएम अपॉन 12, यही था ना। सबसे पहले बात करो टोटल ड्राइंग्स की, ₹500 हर महीने, मतलब ये टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 500 इंटू 12, यस और नॉट। टोटल ड्राइंग लिखा है हमने 12 महीने में, तो 12 बार करेगी ना, तो 500 इंटू 12, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेट अपॉन 100 दे रखा है साहब, 10% पर एनम, तो इंटू 10 अपॉन 100 इंटू अपॉन 12 भी ठीक है, बात तो किसकी आ रही है, इस एपीएम की आ रही है, बात किसकी आ रही है, इसकी एपीएम की। अब इसके लिए अपन थोड़ी सी चीजों पर चर्चा करते हैं यहां पर कि वो चीजें है क्या थी, ठीक है। अब दिक्कत आई साहब एपीएम की, अब एपीएम का फिर फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था बोलो, देखें मैं लिख देता हूं वापस आपके लिए, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन इसका मतलब कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखते हैं अपन। हमसे कहा साहब कि हर महीने की पहली तारीख को, हमने महीने मान लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ का मंथ का मतलब क्या है, हर महीने की पहली तारीख को, अब कई बच्चों के दिमाग में यह भी आया होगा सर ये जनवरी से लिया, अगर मार्च से लेते अप्रैल से लेते तो वो भी लेके देख लो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, बात कैसे भी घुमा फिरा के ले लो, तुम अप्रैल से ले लो, मई से ले लो, मई से लोगे तो अप्रैल तक चलेगा, चलने तो पूरे 12 महीने। फॉर्मूला क्या है हमारा एपीएम का, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये रहा साहब, कितने महीने बचते हैं पूरे साल में, यही तो तुम्हारी गधे बनी वाली बात है। 1 जनवरी है, 1 जनवरी के दिन तुमसे पूछे साल में कितने महीने बच रहे हैं, कितने महीने बचते हैं, 1 अप्रैल के दिन तुमसे पूछे साहब इस फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन बच रहे हैं, पूरा साल ही बच रहा है। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12, और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना बच रहा है ना भी, क्योंकि कब, 1 दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर मानो तो 1 दिसंबर, तो पूरा दिसंबर बच रहा है। मार्च को मानते हो, अगर मतलब अप्रैल टू मार्च मानते हो तो 1 मार्च को 31 मार्च तक होगा, तो कितने महीने बच रहे हैं, 1। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फॉर्मूला लगा दो, 12 + 1/2, 13/2, 6.5, क्या आ गया एपीएम, 6.5 हमने फॉर्मूले में लगा दिया, ये 6.5 upon 12, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 6000 × 10/100 × 6.5 upon 12, 10 से 10 और 10 से 10, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यहां से हटा देंगे तो ये वहां पर 20 हो जाएगा, तो इस 10 से भी ये 10, इसको कैसे काटा हमने, 5 से।
अब 65 × 5 करें, 26 कितना आ जाएगा बताओ, 65 × 5 = 325। वो जीरो गलत लगा दिया मैंने, 3250 गलत लिख दिया, आ गया आंसर। अब तुम इसको याद भी कर सकते हो, सब बिगिनिंग ऑफ द मंथ का एपीएम क्या होता है, 6.5 होता है। क्लियर, केस नंबर 1 समझ में आ गया सबको या नहीं आया? कैसे निकला एपीएम वो समझ में आ गया? बताओ बेटा एपीएम हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। केस नंबर 1 क्या था, व्हेन अ पार्टनर विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्लियर, चलिए अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ बढ़े बेटा अपन, केस नंबर 2 की तरफ। व्हेन ए पार्टनर विथड्रू, एक बार उसमें देखना, उस क्वेश्चन में वो जो क्वेश्चन था ना, इसमें दूसरे का कब है, लास्ट ही है ना, हाँ ठीक है। व्हेन ए पार्टनर विथड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ए पार्टनर विथड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक, हर महीने के एंड में क्या की जा रही है, ड्रॉइंग्स की जा रही है। वही हम ले लेते हैं साहब, कितने महीने, बारह। एंड ऑफ द एवरी मंथ का मतलब 31st, पहले महीने के एंड में, पहले महीने का एंड कब होगा, 31st को, दूसरे महीने का, तीसरे का, चौथे का, अरे सॉरी, यही होगा ना बेटा, किसी के दिमाग में वापस वही कंफ्यूजन आता होगा, साहब हमको अप्रैल से मार्च वाले में समझाओ, तो अप्रैल से मार्च वाले में ले लो। पहला महीना क्या लेंगे, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 नवंबर, सॉरी 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी और 28 फरवरी और 31 मार्च, कैसे भी ले लो। अब फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, एपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अब आप फॉर्मूला बोल दो ताकि मैं लिख दूं, बोलो बेटा फॉर्मूला, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स और प्लस मंथ्स रिमेनिंग कितना आ गया, आ गया 11, आ गया, चलो आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2, यही होता है, कुछ और होता है, यही तो फॉर्मूला बताया है। चलिए ये हो गई बेटा फर्स्ट ड्रॉइंग, ये हो गई आपकी लास्ट ड्रॉइंग, कितने मंथ बचेंगे, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग बताओ, 11, शाबाश 11 बचेंगे ना, क्योंकि अब जनवरी तो जा चुका है, अप्रैल तो जा चुका, और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0, शाबाश। मैंने कहा कैसे नहीं आएगा, देखें आ गया ना 0, फॉर्मूले में रखना ही तो है। अब 11 + 0/2, 11/2, 5.5 एपीएम आ गया, कितना आ गया एपीएम, 5.5, है कोई दिक्कत,
बोलो भाई, किसी को भी नहीं है ना। तो चलो अब उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्या था वो क्वेश्चन? यही था ना, किसकी बात थी? कविता की और मनीषा की। तो मनीषा वाला, मनीषा कब करते? विड्रॉ रुपीज 600 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, है ना। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हमारा वही है। अब किसकी बात करेंगे अपन? मनीषा की। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्रॉइंग। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी आएगी? 7200। 600 नहीं आएगी, 600 इंटू 12। अब देखो कोशिश ये करो उसको 600 इंटू 12 भी लिखो, उसका रीजन है, मैं बताऊंगा क्या रीजन है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एपीएम क्या है? 5.5, अभी हमने चेक कर लिया। इंटू 5.5 अपॉन 12, तो ये 12 से तो 12 कैंसिल, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल। ऊपर के पॉइंट से ऊपर की जीरो हटा सकते हैं ना, नहीं समझ में आया कैसे? पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, जीरो से वो जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो गया ये 55 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा? 330। आ गया इंटरेस्ट ऑन टाइम, कहाँ दिक्कत है? देखने में भारी लगती है चीजें, देखने में बड़ी मुश्किल लगी होगी पहली बार जब पढ़ाई क्या चालू हो गया, जब क्लास स्टार्ट हुई तब दिक्कत आई होगी, अभी नहीं होनी चाहिए। है कोई दिक्कत? क्या पहले मंथ का भी आ गया और दूसरे का भी आ गया, केस नंबर 1 भी हो गया, केस नंबर 2 भी हो गया, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देंगे आप सब। देखिए बेटा, क्लियर। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। कौन से केस की बात करें बेटा अपन? अब केस नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देते हैं अपन केस नंबर 3 के लिए। देखो बेटा, केस नंबर 3 व्हेन अ पार्टनर विड्रू इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हर महीने के बीच में, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के बीच में ड्रॉइंग करता है। अब मिडिल का मतलब क्या है पहले तो वो समझो, मिडिल का मतलब सीधी सी बात है 15 तारीख आती है वैसे तो दिमाग में, लेकिन याद रखना पहली तारीख नहीं हो और आखिरी तारीख नहीं हो, इसके अलावा कोई सी भी तारीख हो वो मिडिल में काउंट होगी। 2 तारीख है तो भी मिडिल में जाएगी, 3 तारीख है तो भी मिडिल में जाएगी, 18 तारीख है तो भी मिडिल में जाएगी, चाहे अगर 31 का मंथ है तो 30 तारीख है, अगर 31 का मंथ है तो डेट कौन सी है 30, वो भी मिडिल में जाएगी। क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के अलावा कुछ भी हो, सबको अपन को क्या मानना है कि सब 15 को ही विड्रॉ हुआ है, काउंट कैसे करना है उसको? मिडिल की तरह ही उसको काउंट करना है। ये चीज क्लियर है, कंफर्म? चलिए अब इसका एपीएम निकाल सकते हो क्या आएगा? सोचो देखे क्या आएगा, मैं बनाऊं एक बार? चलो बना भी देता हूं आपके लिए मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिडिल का मतलब 15th अप्रैल 15th मई 15th जून 15th जुलाई 15th अगस्त 15th सितंबर 15th अक्टूबर 15th नवंबर और 15th दिसंबर। कोई कहे साहब हमें तो अप्रैल टू मार्च ही चलें, तो उसका भी क्या इलाज है? 15 अप्रैल 15 मई 15 जून 15 जुलाई 15 अगस्त 15 सितंबर 15 अक्टूबर 15 नवंबर 15 दिसंबर 15 जनवरी 15 फरवरी और 15 मार्च। बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला बोलो पहले, तो क्या है फॉर्मूला?
मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कितना आ जाएगा? 11.5, शाबाश। और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना आ जाएगा? 0.5। फॉर्मूले में लगा दें, 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? इसके एपीएम में किसी को कोई भी किसी भी तरह की समस्या है अगर, तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा। है कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? बोलो, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 के बारे में। केस नंबर 4, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब क्वेश्चंस तो हम इसके समझते रहेंगे ना। अब अभी हमें सारे केसेस में कंप्लीट कर लेता हूं यहां पर, ठीक है ना बेटा। केस नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान देना। व्हेन पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितने लोग हैं जो क्वार्टर का मतलब समझते हैं? क्वार्टर मीन्स अ सेट ऑफ 3 मंथ्स, क्वार्टर मीन्स अ सेट ऑफ 3 मंथ्स, क्लियर। अब हमें क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो एवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी थी? 12। एवरी मंथ की जब तक बात चल रही थी तब तक टोटल नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी थी? 12। तो जब ईच क्वार्टर की बात होगी तब टोटल नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 4। बात समझ भाई? टोटल जैसे हमने किया था ना, 500 × 12, 600 × 12, 48,000 × 12, 36,000 × 12। अब यहां पर एवरी मंथ की जगह ये एवरी क्वार्टर लिख देता तो कितना होता? 500 × 4, 600 × 4, तभी तो टोटल ड्रॉइंग निकलेगी। जितनी बार ड्रॉइंग करेगा उतनी बार क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये चीज? हमने देखा। चलो इसका एपीएम, एपीएम का फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है एपीएम का? क्या फॉर्मूला है बेटा? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। क्लियर है चीज? चलो यहां भी चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, राइट और रॉन्ग? चार ही बार करेगा ना ड्रॉइंग। पहली ड्रॉइंग कब करेगा? दूसरी, तीसरी और ये चौथी। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, हर महीने तो ड्रॉइंग होगी नहीं, तो ड्रॉइंग की डेट भी अपने को समझ में आ गई। अब बताओ फॉर्मूले के हिसाब से मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बेटा 12 भी बचेंगे नहीं, पूरे 9 क्यों बचेंगे? साल तो पूरा ही है ना, हम पूरे 12 महीने की बात कर रहे हैं ना, बस उसको 3-3 महीने में एक बार कर रहा है। तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है बेटा? 12। और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3, कितना आएगा बेटा? 3। क्लियर? 3। तो एपीएम क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, 7.5। क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं फिर अपन। When partner withdrew at the end of
each quarter. When the partner withdrew at the end of each quarter. APM बराबर, इसी को ले लेते हैं चलो काम में अपन, इसके आगे. अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्रॉइंग यहां पर, दूसरी ड्रॉइंग यहां पर, थर्ड ड्रॉइंग यहां पर और लास्ट ड्रॉइंग यहां पर. पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई. एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, क्वार्टर का एंड तो कब होगा, अब 3 महीने के बाद ही होगा ना, तो 31 मार्च को, दूसरे क्वार्टर का 30 जून को, तीसरे का 30 सितंबर को और चौथे का 31 दिसंबर को. अब दिसंबर है ये, अप्रैल टू मे भी करें, वो मार्च करेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए बताओ कितना बचेगा. मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0. तो एपीएम क्या आ गया बेटा, 9 + 0/2 = 4.5. क्लियर, क्लियर है बेटा, कंफर्म. केस नंबर 6 की बात कर लेते हैं अपन. व्हेन पार्टनर विड्रू इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, व्हेन पार्टनर विड्रू इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के कब, मिडिल में क्या कर रहा है वो, ड्राइंग कर रहा है. ठीक है बताओ एपीएम क्या आएगा. चलिए देखते हैं, पहले तो अपन इधर इसी में देख लेते हैं, यहीं पर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कब होगा पहला ड्राइंग, बीच में यहां होगा, यहां पर पहला ड्राइंग कब होगा, यहां होगा दूसरा ड्राइंग, तीसरा ड्राइंग यहां होगा और लास्ट ड्राइंग ऐसी होगा ना बेटा, है कोई दिक्कत इसमें, कंफर्म ऐसी होगा ना, किसी को भी दिक्कत है बताओ. तो कितना बचेगा फर्स्ट और लास्ट से मतलब अपने को, कितना बचेगा, टेन पॉइंट फाइव और लास्ट में 1.5. क्लियर, 10.5 और 1.5. एपीएम निकाल लेते हैं अपन, 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 6. ठीक है आज थोड़ी सी क्लास है ना, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे अपन. ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि केसेस सारे कंप्लीट करेंगे अपन यहाँ पर, अभी कोई दिक्कत नहीं है. टोटल कितने केस बताए थे, कितने हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत है यहां तक पहले तो वो बताओ, तब जाके हम अगले केस की तरफ पढ़े. अब तक पार्टनर टोटल कितने महीने का टाइम पीरियड चल रहा था, हर मंथ में भी 12 महीने ही बिजी था और हर क्वार्टर में भी, ठीक है ड्राइंग केवल 4 बार हो रही है लेकिन है तो पूरा 12 महीने एंगेज ना, एंगेज तो क्या है टोटल 12 मंथ ही एंगेज है ना. लेकिन अब केस नंबर 7 में अगर हम बात करें, कौन से केस में बात करें बेटा अपन, केस नंबर 7 में, व्हेन पार्टनर विड्रू ओनली फॉर 6 मंथ्स. ड्रॉइंग हो रही है, रेगुलर हो रही है, हर महीने हो रही है लेकिन अब 12 महीने नहीं करेगा वो, कितने महीने करेगा वो, केवल, अब वो कोई से भी 6 महीने हो सकते हैं, होगी हर महीने वो 6 महीने, लेकिन 6 महीने वो कोई से भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है. हमें से पता है, क्या पता है हमें कि हर महीने केवल कितने मंथ तक, लेकिन 6 मंथ तक. अब वो 6 मंथ तक हर महीने भी कब, इन द
बिगिनिंग भी हो सकता है, एट द एंड भी हो सकता है, और इन द मिडिल कैसे भी हो सकता है। एपीएम की बात करें, अब छह महीने का मामला है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होगा ना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद यही चलेगा। सिंपल सी बात समझो आप, तो इतनी सी बात समझ लो, उसमें हमारा काम होना है। फर्स्ट जनवरी और फर्स्ट जून, फर्स्ट और लास्ट की बात कर लें अपन बिगिनिंग में। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं ना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथ कितने बच रहे हैं? 6, और लास्ट के बाद 1। तो एपीएम क्या हो गया? 6 + 1/2, 7/2, 3.5। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरे केस में बात करें, 31st और 30 कितने बचेंगे बेटा? 5 और 0, ये बचेंगे ना मंथ। मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? डाउट हो बता देना। देखो ठीक है, थोड़ी सी स्पीड इसलिए बनाई यहां पर, अभी चीजें सेम चल रही है। कितना आ जाएगा एपीएम? 5 + 0/2, 5/2, 2.5, ठीक है ना। और मिडिल की बात करें तो कितना आ जाएगा बताओ? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? 5.5, और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5। कितना आएगा बेटा? 0.5। ठीक है, तो एपीएम कितना आ जाएगा? 5.5 + 0.5/2, 6/2, 3। बताओ, केस नंबर 7 में कोई दिक्कत है बेटा? कंफर्म? और बात करते हैं, केस नंबर 8। When partner withdrew 4, 9 months, अब 6 की जगह कितना कर रहा है? 9 महीने। In the beginning एट द एंड और इन द मिडिल, करिए कैलकुलेट फटाफट। आ गया? कितना आया फर्स्ट में? क्या करेंगे? कितने महीने बचे? 9, और लास्ट के बाद 1। एपीएम क्या आ गया? 9 + 1/2, 10/2, 5। क्लियर है ना बेटा? और एंड में कितना आ जाएगा? 4 आ गया ना। कैसे? क्योंकि तो यहां पर कितने मंथ बचे? 8, यहां पर 0। एपीएम क्या आ गया? 8 + 0/2, 8/2, 4। और अगर हम किसकी बात करें बेटा? मिडिल की। कितना आएगा? कंफर्म? कैसे आया? क्योंकि फर्स्ट के बाद कितना बचा?
8.5 लास्ट के बाद 0.5, शाबाश। एट पॉइंट फाइव प्लस 0.5 अपॉन टू 9 अपॉन टू और ये 4.5, क्लियर। ये आपका केस नंबर 8 हो गया। अब एक ही तो केस बचा है, केस नंबर 9 देख लेते, चलो उसको भी अपन फटाफट से क्या दे रहा है हमको केस नंबर 9 में। व्हेन पार्टनर विड्रू, देखो ये अलग है चीज है ना, ये अलग है। व्हेन पार्टनर विड्रू वंस ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट इज नॉट कन्फर्म्ड, अगर डेट दे रखी है ना तो डेट के हिसाब से टाइम पीरियड निकल जाएगा। 31 अगस्त दे दिया तो बचा हुआ टाइम पे, वो अलग चीज़ है। स्थिति क्या है कि साल में किया एक बार है और हमें टाइम पता नहीं है कब किया है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान देना। अब इसमें दो स्थितियाँ बनती है, केस नंबर मतलब इसका भी ए पार्ट, व्हेन पर एनम और एनुअल, व्हेन पर एनम और एनुअल इज रिटर्न विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट जो दे रखी होती है ना मैं आर, उसके साथ क्या लिखा है पर एनम और एनुअल ऐसा शब्द लिखा है, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 6 मंथ्स। क्या होगा बेटा इस केस में, इंटरेस्ट कितने मंथ का चार्ज किया जाएगा, 6 महीने का, क्लियर। और दूसरा, व्हेन पर एनम और एनुअल इज नॉट रिटर्न विद रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं हो, इंटरेस्टेड जैसे मिलती है ना इंटरेस्टेड एट द रेट 5% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम, यहां जैसे लिखा था 10% पर एनम, जैसे यहां पर भी और भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, जैसे 5% पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट केवल क्या लिख दे एट द रेट 5% नहीं लिखा हुआ है पर एनम, दोनों अलग अलग केसेस हो जाएंगे वहां पर। अगर इंटरेस्ट रेट के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, पर एनम लिखा हुआ है जब तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, और अगर लिखा हुआ नहीं है देन इंटरेस्ट विल बी charged for 12 months। इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज होगा बेटा, 12 months के लिए इंटरेस्ट को उस केस में चार्ज किया जाएगा। यही पूरा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक था, क्लियर। किसी को कोई डाउट यहां तक, आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरा कंप्लीट कर लिया है, कल हम इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसे कोई डाउट है वो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू क्लास।